हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। आज चलिए इस बॉटल को लेते हैं और इसका DIY करके इसको कोई डेकोरेटिव पीस में बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इस बॉटल को किन किन चीज़ों से और किस तरह से डेकोरेट किया। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और देखते रहिए। तो इसको डेकोरेट करने के लिए देखिए, मैंने ये जो बॉटल है जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो लिया है, और इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है एक सीज़र कैंची, और साथ में ये है एक वॉलपेपर। ये मेरे घर में एक वॉल पे लगा हुआ है तो इसके कुछ टुकड़े बच गए थे, तो इसको मैंने रख लिया था कि कभी कहीं पे इसको मैं यूज़ करूँगी करके। इसका देखिए बैक साइड इस तरह से है, और ये सेल्फ एडहेसिव है। इसको लगा चिपकाने के लिए मुझे इसमें कोई किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही चिपक जाएगा जस्ट लाइक स्टिकर। इनको मैंने देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और कोशिश कीजिएगा कि टुकड़े जो हैं वो एक साइज़ के हों, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े छोटे इस तरह से ना हो। जैसे मैंने यहाँ करीब करीब 1 इंच के टुकड़े में इसको काटा है और उसको मैंने इस तरह से एक जगह पे रख लिया है। आप देखिए मैंने इसको किस तरह से काटा है, ये सीज़र की मदद से मैंने इसको बस रैंडमली इस तरह से कट कर लिया है। इसमें ऐसा शेप कुछ देखना नहीं है कि आपको कोई ख़ास शेप में काटना है, बस आप काटते रहिए चौकोर त्रिकोण जैसा भी होता है। इसको मैं छोटा कर लेते, हाँ अब ठीक है, बस इस तरह से इसको बस काटते जाना है छोटे छोटे टुकड़े में। और अब मैं इनको कटोरी में रख लूँगी और एक साइड में रख लूँगी इसको, और फिर मैं इस बॉटल में इसको एक के बाद एक चिपकाते जाऊंगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से इसके बैक साइड का पेपर अलग हो जाता है, और ये स्टिकर की तरह अब मैं इसको चिपका दूंगी इस बॉटल पे। ये देखिए मैंने पहला पीस इस तरह से चिपकाया, ये बहुत आसानी से अलग हो जाता है। ये देखिए मैंने बड़े आराम से इसको अलग कर लिया, ये देखिए इस तरह से खुल जाता है और फिर इसको हम आराम से चिपका सकते हैं। करके हमें एक के बाद एक इस तरह से ये पीसेस जो है चिपकाते जाना है। हम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से इसको चिपका सकते हैं, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये ऐसा लगेगा जैसे कि स्टोन के पीसेस इसमें मैंने चिपका दिए हैं। बस बैक साइड का पेपर अलग करते जाइए और इसको चिपकाते जाइए, बहुत ही आसानी से ये बनने लगता है। और ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ इसको एक के बाद एक लगा दिया है, और ये देखिए सारे पीसेस जो हैं मैंने यहाँ एक एक करके पूरी बॉटल पे चिपका दिया है। और उसके बाद देखिए ये दिखने में कितना अच्छा लगने लग गया है, एक खूबसूरत पीस बन के उभर आया है। इसका एक साइड मैंने पहले ही चिपका लिया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये दूसरा साइड। अब मैं धीरे धीरे इसको भी पूरा उसी तरह से भर दूंगी, और ये जो बीच के कुछ इस तरह से खाली जगह अगर छूट जाते हैं तो उनको उस हिसाब से थोड़ा छोटा पीस लेके इस तरह एडजस्ट कर लेना है। ये पूरा तैयार होने के बाद ऐसा दिखने में हो गया, और अब मैं इसके बॉटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें
मैं दूसरे तरीके से इसको चिपकाऊंगी। बोतल के ऊपरी हिस्से में मैंने लेस लगा दिया है और बनाने के बाद में इसमें मैंने पॉलिश की एक कोटिंग चढ़ा दी है, क्योंकि इसमें मैं पानी भर के प्लांट की कटिंग लगाऊंगी तो पानी में ये ख़राब ना हो जाए इसलिए, और थोड़ा ग्लेज आ जाने से अच्छा भी लगता है। और देखिए मैंने इस तरह इसमें प्लांट रख कर इससे सजा भी दिया है, प्लांट की कटिंग लगाई है मैंने इसमें, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगने लग गया है, प्यारा सा पीस बन गया है। उम्मीद है आपको मेरा ये बॉटल आर्ट पसंद आया होगा। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।